तो भैया नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। एक और जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही कर लें। यूपी में लॉकडाउन पहले 10 मई को ख़त्म होना था, जो आज योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर उसे 17 मई तक कर दी है। यानी एक हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ गया। और सोने पे सुहागा ये है भैया कि इस बार मुख्यमंत्री ने प्रशासन को लोगों से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि चुनाव तो निबट गए, अब कोरोना से भी निबट लें, या यूं कहें कि यूपी की जनता से भी निबटने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि आप लोग बाहर निकले बिना मानोगे तो हो नहीं, तो बेटा अब पड़ेंगे लठ, निकलो ज़रा बाहर। तो दोस्तों, अगर इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा अगर कोई असमंजस की स्थिति में है तो वो है मुस्लिम तबका। वो ये सोचकर कि आखिर इस लॉकडाउन के बीच ईद उल फितर की नमाज़ कहाँ और कैसे अदा की जाएगी। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि लॉकडाउन 10 मई तक था पहले, लेकिन आज मिली जानकारी के अनुसार यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। क्योंकि जब से यूपी सरकार ने लॉकडाउन पर जोर दिया है, तब से कोरोना के मरीजों में वृद्धि कम हुई है। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार को लगता है कि लॉकडाउन लगाने से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकता है। और वैसे भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सबसे बेहतर उपाय हमारे पास है, तो अगर है तो सिर्फ लॉकडाउन। उससे पहले ना कोई और उपाय था, ना आज कोई उपाय है। लेकिन सरकार को पहले जागना चाहिए था और देश के कई हिस्सों में हुए चुनावों को भी स्थगित करना चाहिए था, तो आज शायद हजारों जाने बच जाती। खैर, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए इन बातों को। जिन्हें जाना था वो बेचारे तो चले गए और सरकार फिर से कड़ी मेहनत करने में जुट गई है। यानी कोरोना को रोकने के लिए सरकार फिर से कड़ी मेहनत करने पे जुट गई है। और ये तो आप भी जानते हैं कैसी मेहनत और कितनी मेहनत। चलिए अब आते हैं ईद की नमाज पर। तो अब रही बात ईद उल फितर की नमाज की, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग रोज़ा रख रहे हैं और जो आने वाली 12 या 13 तारीख में ईद के पावन पर्व पर नमाज अदा करेंगे, 12 या 13 तारीख इसलिए बताइए दोस्तों क्योंकि ईद जो है वो चांद देखकर होती है, तो या तो 29 में रोजे को चांद दिख जाएगा या 30 में रोजे को चांद दिख जाएगा। तो ईद की जो तारीख है उसमें अदा करेंगे। तो दोस्तों, कोरोना के नियमों का उल्लंघन ना करते हुए आप सभी लोग अपने हल्के की मस्जिद में, यानी जो आपके घर के आसपास मस्जिद है, उसमें ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन आपको ख्याल रखना होगा कि आप बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यानी आप मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। और मस्जिद की जो कमेटी है उसको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि गेट पर ही थर्मल स्कैनर मशीन से लोगों की जांच करें और सभी नमाजियों को सैनिटाइज करने के बाद ही मस्जिद में प्रवेश दिया जाए। और दोस्तों, जितना हो सके उतना ख्याल रखें कि मस्जिद में कम तादाद में लोग पहुँचें। इसके लिए अधिकतर मस्जिदों में सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए मार्क कर दिया गया है जहां आपको खड़ा होना है। यानी उसी मार्क पर खड़े होकर आपको नमाज अदा करनी है, जिससे कि सामाजिक दूरी का भी उल्लंघन ना हो सके। तो दोस्तों, ये जो लॉकडाउन लगाया गया है और इस लॉकडाउन के बीच जो ईद उल फितर का जो पर्व आ रहा है, उस पर आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है ताकि लोग आप पर उंगली ना उठा सकें। और आप टाइम 24 भी आप लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें अथवा घर में रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।